हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम लोग कन्नड़ा में क्या, एन, क्यों, या के इसका प्रयोग जानेंगे। इसका प्रयोग तो बहुत अधिक होता है ना फ्रेंड्स। क्या किए, क्यों किए, क्या खाए, क्यों खाए, तो आज ध्यान इसका प्रयोग है ना यूजफुल, निश्चित रूप से फ्रेंड्स। तो एक बार यदि हम लोग इसका क्या और क्यों का प्रयोग जान जाएंगे ना, तो बहुत सारे वाक्य निश्चित रूप से बना पाएंगे। इसके लिए हमारी कन्नड़ा पे पकड़ थोड़ी और मजबूत होनी चाहिए, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स क्रिया के साथ में क्या और क्यों का प्रयोग कर सकें। तभी तो अपनी हम जितनी हमारी भावनाएं हैं उसको बाहर निकाल पाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग कन्नड़ा विथ ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स ये है कि यदि हम थोड़ा वर्ब्स के नाम जान गए और इन शब्दों को जान गए, तो किस ट्रिक्स की सहायता से इन शब्दों का उनका उनके साथ प्रयोग कर लेंगे और तरह तरह के वाक्य हम लोग बना पाएंगे। मतलब थोड़ी सी मेहनत और रंग बहुत जोरदार। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे यूज ऑफ व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों। क्या को कहते हैं एनू, क्या को कहते हैं एनू, और क्यों को कहते हैं याके, याके। तो फ्रेंड्स की दो चीज को तो हमें माइंड में बिठाना ही पड़ेगा, क्यों और क्या। क्या एनु याके, क्यों के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं क्या बोले, ठीक है ना। क्या बोले, बोलने की बात बहुत होती है, तुम क्या बोल दिए वहां जाकर के, क्या बोले। तो बोलने के लिए होता है फ्रेंड्स हेलु, हेलु, हेलु में तो बोलते ना बोलो, हेलु। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है ना वो सेकेंड ला रहता है लु, जिसका उच्चारण जो है ना, ये हमारा मुंह है, जीभ जिसके उच्चारण में यहाँ पे टच होता है, हेलु। हेलु मतलब होता है कहो, बोलो। यदि हम बोला है क्या बोले, क्या बोले, तुम क्या बोल दिए वहां जाके, क्या बोले, तो क्या के लिए, क्या के लिए होगा फ्रेंड्स एन, एन हेलिद्री, एन हेलिद्री, एन हेलिद्री, क्या बोले, एन हेलिद्री, क्या बोले। और केवल हेलु रहेगा फ्रेंड्स यदि कोई हेलु बोलता है, हेलु, हेलु का मतलब होता है बोलो, ठीक है। हेलिद्री, एन हेलिद्री, क्या बोले। और फिर उसने बता दिया कि क्या बोले, फिर आपको गुस्सा आएगा ना, क्यों बोले ऐसा, ऐसा क्यों बोले तुम। तो फिर यदि हम बोलना है ऐसा क्यों बोले, ऐसा नहीं बोलना था, तो फिर बोलेंगे हिंगे आके। यहाँ पे ना फ्रेंड्स दो शब्द है, ठीक है, एक है पहले हिंगे, ठीक है, हिंगे प्लस याके, ये देखिए दो शब्द से मिलकर बना है, बोलते इसमें हिंग आके बोलते हैं, ठीक है ना। हिंगे आके, हेलिद्री मतलब तो हो गया बोले, क्यों बोले, क्यों बोले, याके, याके हेलिद्री, याके हेलिद्री, क्यों बोले, ऐसा क्यों बोले तो, ऐसा क्यों बोले, तो हिंगे आके हेलिद्री, हिंगे आके हेलिद्री, हिंद याक हेलिद्री। तो फ्रेंड्स याके का प्रोनाउंस ऐसा नहीं होता है, आप खुद देखिएगा कि जहां पे आप सुन रहे हो तो हिंग याक बोलेंगे, हालांकि याके ही है लेकिन याक सुनाई देता है, हिंग याक हेलिद्री, ऐसा क्यों बोले, हिंग याक हेलिद्री, ऐसा क्यों बोले, वैसा रहेगा तो आगे हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया क्या बोले, क्यों बोले। अगला देखते हैं क्या किए, क्या किए, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या किए। तो केक में क्या हो जाएगा, माड़ होता है ना, माड़ू, माड़ू मतलब करो, माड़ू मतलब करो, क्या किए, तुम क्या किए, तो एन माड़ दे, एन माड़ दे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एन माड़ दे, एन माड़ दे, क्या किए, एन माड़ दे, क्या किए। और यदि हमें बोलना होगा ना ऐसा क्यों कर दिए, ऐसा नहीं करना था, क्या किए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको दिखाता है क्या किए, तो एन माड़ दे, ऐसे देख लिए उसको काम, ओह ऐसा क्यों किए, ऐसा, तो फिर हिंग याक वहां भी आ जाए, ठीक है ना। हिंग याके मतलब जो है ना ऐसा, ऐसा क्यों किए, हिंग याक मार दे मतलब ऐसा क्यों किए, हिंग याक मार दे, ऐसा क्यों किए। और यदि हमें बोलना है फ्रेंड्स क्यों किए, याक मार दे, याक मार दे, फिर वहां पे हम बोलेंगे याक मार दे, हिंग याक मार दे, ऐसा क्यों किए, मतलब उस चीज पे आपको स्ट्रेस देना पड़ रहा है, हिंग याक मार दे। और यदि सिर्फ बोलना है क्या किए, क्यों किए, एन मार दे, याक मार दे, क्यों किए तुम, ठीक है। तो फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स इसी तरह से यदि आप स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो हमारा जो है ना अब तो दीपा डायरी ऐप भी आ चुका है, वेबसाइट तो है ही है। तो फ्रेंड्स देर की क्या बात है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ना चाहे तो दीपा डायरी टीम में आपका स्वागत है, बिल्कुल आइए,
स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से सीखे फ्रेंड्स। स्टेप बाय स्टेप जो वीडियोस है ना उसमें चार तरह पांच तरह के कंटेंट उसमें दिए हुए हैं, हर वीडियो के अंदर वीडियो है, साथ ही साथ रोज गाना है ताकि हंसते खेलते सीखिए, गाते हुए सीखिए, रोज का कन्वर्सेशन है, वीडियो के अंदर वीडियो है जिसमें कि फिर वहां पे कर्नाटका में लोग कैसे बातें करते हैं, तो आप आसान तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज तो हम लोग देख रहे हैं या आपके और एन का प्रयोग, उसी को देखते हैं। क्या किए एन मार दे, ऐसा क्यों किए हिंग या को मार दे, ऐसा क्यों किए, और सिर्फ क्यों किए बोलना है फ्रेंड्स, तो वहां पे सिर्फ या के रहेगा, या को मार दे मतलब क्यों किए, ऐसा क्यों किए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्या खाए, खाने संबंधित तो बहुत सारी बात होती है, तो खाने के लिए क्या बोलेंगे, तिंदा। एन तिंदे, एन तिंदे, एन तिंदे क्या खाए, एन तिंदे क्या खाए, अब हमें बोलना है क्यों खाए, या को तिंदे, या को तिंदे क्यों खाए। यदि हम बोलना ये क्यों खाए, जो चीज का नाम बताए वो नहीं खाना था, ये क्यों खाए, इधर ना इधर ना इधर ना, या को तिंदे इधर ना, या के तिंदे ये क्यों खाए, इधर ना मतलब ये, या के क्यों तिंदे खाए, इधर ना या के तिंदे यह क्यों खाए। तो फ्रेंड्स क्या एन क्यों या के, बस वही है, बस इसके साथ साथ हम फ्रेंड्स हमने जो वर्ब्स है खाना के लिए यहाँ पे तिंदे आया है ना, उसी तरह से फ्रेंड्स बोलने के लिए क्या आया था, हेडिंद्री आया था, हेडू से बना हुआ है। तो जो वर्ब का लिस्ट है फ्रेंड्स एक बार यदि उसको देख लेंगे और उसके साथ में एन और याके का प्रयोग करना यदि जान गए तो बहुत सारे वाक्य जो है ना हम लोग खुद बना पाएंगे। और साथ ही फ्रेंड्स यदि आसपास में यदि आपको कोई इस तरह से बोलता है तो ध्यान रखिए कि उसका प्रयोग कैसे कर रहा है, कहाँ पे एन और कहाँ पे याके का प्रयोग किस वर्ब के साथ कर रहा है, उसको ध्यान से सुनिए, फिर घर में आने के बाद उसको अच्छे से नोट डाउन करिए, तब जाके दिमाग में आराम से बैठ पाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए नई भाषा है, इतनी आसान तरीके से दिमाग में नहीं बैठती, इसे बिठाने के लिए ना थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की जरूरत होती है, तो प्यार से सीखिए बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।